और बात रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क में पेड़ को राखी बांधी है और हर साल सीएम नीतीश कुमार आज के दिन पेड़ को राखी बांधकर ही पर्यावरण और पेड़ को बचाने का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी सहित कई लोग शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने धरती, पर्यावरण और पेड़ को बचाना पहली प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में मौजूद वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जहां पहाड़ों पर पेड़ नहीं होंगे वहां सीड बॉल गिराया जाएगा और औरंगाबाद से सरकार इसकी शुरुआत कर रही है। रक्षाबंधन के सवाल पर वन विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेसी ने भी पेड़ को राखी बांधी। प्रकृति भी मेरी शक्ति है जिसका हम भक्ति करते हैं और उस प्रकृति के अंदर जो वृक्ष, पेड़, पौधे हैं, आज वही मेरा प्राणवायु का सूचक है। यही हमारा भविष्य को बचाएगा, वृष्टि से हमारी तुष्टि और संतुष्टि करेगा। इसलिए रक्षा बंधन में हम अपने बहन से तो निश्चित तौर पर राखी बंधाएं, वृक्षों की भी रक्षा का संकल्प लें। झारखंड बंटवारे के बाद सरकार पहले भी थी तो मात्र 7% वहाँ पर बंद, हम लोगों ने 15% पहुँचाने का काम किया। 17 का लक्ष्य है, जल्द ही लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे ना करके। और आगे पहाड़ जो दक्षिण बिहार के हैं वो पहाड़ों पर सीड बॉल के माध्यम से मैनुअल कर रहे थे। कल हमारा अभियान है 20 तारीख को औरंगाबाद शुरुआत करने जा रहे हैं कि पहाड़ों को भी हरितारण करने के लिए जहां हम मैनुअल नहीं जा पाएंगे ड्रोन के माध्यम से वहां पर हम सीड बॉल गिराएंगे ताकि दक्षिण बिहार के पहाड़ हमारे हैं वो भी ग्रीन हो पाए। मतलब ये हमारा परिचय। बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांध के उसकी सुरक्षा का संकल्प लेता है, उसी तरह से जो भी व्यक्ति अपने एक पेड़ पे राखी बांधे वो उस वृक्ष की और संपूर्ण वृक्ष की सुरक्षा का संकल्प ले। और इसी कारण हमारा जो विभाग है ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। पटना में भी बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और तिलक भी लगाया। भाई के दीर्घायु जीवन की कामना की तो भाई ने बहन की रक्षा का वचन भी दिया। भद्राकाल के चलते आज रक्षाबंधन के दिन 1:30 के बाद ही रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। नवादा मंडल कारा में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर जेल प्रबंधन की तरफ से खास व्यवस्था की गई थी। जेल में रक्षाबंधन के दौरान कई भाई बहन अपनी भावना पर काबू नहीं रख सके। कई बंदी अपनी बहन के साथ लिपटकर रोने भी लगे। लंबे समय बाद भाई और बहन के बीच मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज पटना में चलने वाली सिटी सर्विस बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त है, यानी राखी के दिन पटना में महिलाओं को बस का किराया नहीं देना होगा। ये तोहफा महिलाओं को रक्षाबंधन के का पर्व आसानी से मनाने में मदद करेगा। सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक BSRTC की बसों में महिलाएं और छात्राएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार की पहल से बस में मुफ्त यात्रा कर रही महिलाएं काफी खुश दिखी। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। आज रक्षाबंधन है और आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी बहनों को तोहफा दिया है। आज वो सभी सिटी बसों में सफ़र करेंगी लेकिन उन्हें पैसे नहीं देना पड़ेंगे। हम अभी खुद सिटी बस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो तमाम महिलाएं हैं वो यहां मौजूद हैं। इनको जहां तक सफ़र करना है उन तमाम जगहों में इन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा और सिटी की जितनी बसें हैं उन तमाम बसों में आज इन्हें पैसा नहीं लगेगा। इनसे हम बातें करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आप लोगों को रक्षाबंधन के लिए तोहफा दिया, कितना बड़ा काम है? बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बड़ा काम है ये। शुभ अवसर पर लड़कियों को बहन समझकर मतलब एक तोहफा के तौर पे बहुत मतलब शुभचिंतक के कार्य किए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है सफ़र करके। घर जा रही हूँ मैं भी। कहाँ जा रही है? अभी तो मैं पटना स्टेशन जाऊँगी, उसके बाद मेरा घर मसौढ़ी है। अच्छा। तो वहाँ जाना है मुझे। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम करे हैं। बहन भाई सबको बहन लोग के गिफ्ट दे करके तोहफा बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है सब अथी करने में। तो जो महिलाएं हैं वो और जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोहफा दिया है। आज दिन भर और यूं कहें रात 9 बजे तक तमाम बसों में जो सफ़र करेंगी बहनें
फ्री में सफर करेंगे, भाइयों को राखी बांधने जाएंगे और उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।